ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करना सुनिश्चित करें ताकि पढ़ाई का लेवल अच्छा हो सके और आप अच्छे अंक परीक्षाओं में प्राप्त कर सके। ये बात जिला उपायुक्त हरकेश मीणा ने सुजानपुर राजकीय विद्यालय में पहुंचकर कायाकल्प के सौजन्य से लगाई जा रही कक्षा को संबोधित करते हुए कही। दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करना सुनिश्चित करें ताकि पढ़ाई का लेवल अच्छा हो सके और आप अच्छे अंक परीक्षाओं में प्राप्त कर सकें। ये बात जिला उपायुक्त हरकेश मीणा ने सुजानपुर राजकीय विद्यालय में पहुंचकर कायाकल्प के सौजन्य से लगाई जा रही कक्षा को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान उपायुक्त एक टीचर बनकर बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बच्चों से सवाल किए और कायाकल्प के तहत जो उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है उसके बारे में चर्चा की। उन्होंने जमा एक और जमा दो में जो छात्र टॉप श्रेणी पर आए हैं उनसे सवाल जवाब किए और कहा कि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। स्कूल में पढ़ाई हुई शिक्षा तभी कामयाब होगी जब आप घर जाकर उस पर मेहनत करेंगे। उन्होंने सवाल जवाब किया कि कायाकल्प के तहत जो पहले टेस्ट हुआ था उस दौरान बच्चों ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था, अंक इतने कम आए थे कि जो चिंता का विषय था। उन्होंने बच्चों को खड़ा करके सवाल जवाब किए जिस पर बच्चों ने उत्तर तो दिए लेकिन उपयुक्त की नज़र में उत्तर उस मुताबिक सही नहीं थे जो उन्हें चाहिए थे। उन्होंने कहा कि 50% अंक कम से कम लेना अनिवार्य करें ताकि उन्हें बढ़ाकर 70 से 80% तक पहुंचाया जा सके। बच्चों की कक्षा लेने वाले अध्यापकों को भी उपयुक्त ने मेहनत और लगन से पढ़ाई करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि आगामी जो टेस्ट इन बच्चों का लिया जाएगा उसमें ये बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का प्रदर्शन जिला स्तर, उसके बाद प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्र स्तर तक पहुंचे, ऐसा होना चाहिए क्योंकि शिक्षा बहुत कठिन परिश्रम के बाद मिलती है। ऐसे में जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा।